दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अगले लेसन यानी सेवेंथ लेसन में हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि किसी भी स्लाइड को हाइड कैसे किया जाता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस लेसन में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि किसी भी स्लाइड को हाइड कैसे करते हैं और उसका क्या मीनिंग है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता दें कि हाइड करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो स्लाइड जो भी आप हाइड करेंगे वो आपके अपने पढ़ने के लिए है, यानी कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो वो स्लाइड वैसी ही दिखेगी जैसे कि वो है। लेकिन जब आप उसको स्लाइड शो करेंगे, यानी कि आप जब प्रोजेक्टर में दिखाएंगे या अपने कंप्यूटर में ही जब स्लाइड शो करेंगे, तब दोस्तों वो आपका स्लाइड शो में वो स्लाइड नहीं आएगी। और साथ ही साथ जब प्रिंटआउट आप निकालते हैं तो प्रिंटआउट में भी वो एक ऑप्शन देता है कि आप उस हिडन स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब जैसे मैंने इसमें चार स्लाइडें बना रखी हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी कोई भी इसमें हमने हिडन स्लाइड नहीं की है। तो हम इसका स्लाइड करते हैं। स्लाइड शो, दोस्तों हमने स्लाइड शो के बारे में भी आपको नहीं बताया था, लेकिन आप इस लेसन में इसके बारे में भी जान जाएंगे स्लाइड शो को कैसे रन किया जाता है। तो दोस्तों, एक तो यहाँ पर मेन्यू में ही आपका स्लाइड शो का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कि जो टाइटल स्लाइड है वहां से ही शुरू करेगा, और फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड में आप अभी हैं। अभी तो वास्तव में हमारी बिगनिंग में भी है और करंट स्लाइड भी यही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्लाइड टू में अगर क्लिक कर दें तो इस समय हम करंट स्लाइड टू में हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड टू से ही शुरू कर देगा स्लाइड शो को डिस्प्ले करना, लेकिन अगर हम फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो यहाँ से शुरू करेगा। दोस्तों, ये तो एक ऑप्शन मेन्यू का है। दूसरे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं, एक स्लाइड शो लिखा हुआ आ रहा है जिसे आप देख रहे होंगे, और उसके बाद स्लाइड साल्टर है और नॉर्मल स्लाइड का है। तो स्लाइड शो का ये छोटा सा आइकन आपको कप जैसा दिख रहा होगा, ये आइकन है, इसको क्लिक करके आप स्लाइड शो डायरेक्टली कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। दोस्तों, ये मैंने इसमें क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद ये दोस्तों लोड हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड टू से ही इसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब आप नीचे जो शॉर्टकट दिया हुआ है वो आपका करंट स्लाइड शो से ही डिस्प्ले करता है। तो आप इसमें आगे बढ़ करके आप इसमें स्लाइड देख सकते हैं। दोस्तों, तीन स्लाइडें, जैसे हमने इसमें चार स्लाइड टोटल बनाई थी, एक टाइटल स्लाइड थी और ये एक स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री, टोटल चार स्लाइड इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो फ्रॉम बिगिनिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो टाइटल स्लाइड यानी जो पहली स्लाइड है यहाँ से शुरू करेगा। तो यहाँ से भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं टाइटल स्लाइड हो गया, उसके बाद आप एरो क्लिक, जो राइट एरो है उसको क्लिक करेंगे तो प्रेस करेंगे, सॉरी राइट एरो जो कीबोर्ड का है उसको प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, जैसे स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री। बैक एरो करेंगे तो आपको ये पीछे की तरफ ले आएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों जो स्लाइड है, टाइटल स्लाइड और स्लाइड वन टू थ्री, चारों इसमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी स्लाइड को हाइड नहीं किया है। अब दोस्तों, हम किसी भी स्लाइड को, मान लो स्लाइड सेकंड जो यहाँ लिखा हुआ है ये स्लाइड, इसको हम हिडन करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम हिडन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस एरिया में आपको अपने माउस के राइट बटन क्लिक करना होगा और आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड स्लाइड लिखा, तो यहाँ पर आपको खाली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि ये स्लाइड हाइड हो गई है, और कौन कौन सी स्लाइड हाइड है आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा जो थ्री लिखा हुआ है ये इसमें बॉक्स बना हुआ है और साथ ही इसमें एक क्रॉस भी बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ये हिडन स्लाइड है। आप जिसे यहाँ पे नहीं बना, आप देख रहे होंगे बॉक्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स बना हुआ आ रहा है। और इसको अगर हटाना है तो वही सेम प्रोसेस आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब दोस्तों, इसका इफेक्ट हम आपको दिखाते हैं क्या है। अब हम शुरू करते हैं स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग से, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो टाइटल स्लाइड है, हमने स्लाइड टू को हिडन किया है। तो हम जैसे राइट एरो
क्लिक कर प्रेस करते हैं तो स्लाइड वन आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो स्लाइड टू नहीं आएगी बल्कि स्लाइड थ्री आएगा सीधे, क्योंकि स्लाइड टू हमने हिडन किया हुआ है। तो ये मैं प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं स्लाइड थ्री डायरेक्टली आ जाता है इसमें। तो इस तरह से आप किसी स्लाइड को हिडन कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी हिडन की जो फीचर है स्लाइड को हाइड करने का, उसका इस्तेमाल आप अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए प्रिंट की बात करते हैं। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफ पावर पॉइंट का 2007 वर्जन है। तो पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेसन्स में हमने आपको दोस्तों यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ऑफिस बटन किसी किसी वर्जन में होती है। तो ये ऑफिस बटन आप देख रहे होंगे इस तरह से होती है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के वर्जन आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये प्रिंट का ऑप्शन में आप जाएंगे तो प्रिंट के ऑप्शन में ये हिडन स्लाइड को सिलेक्ट करने या नहीं सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों लेकिन सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू, जिसे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। जैसे कि पिछले लेसन में हमने बताया था कि आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। पिछले जो हम बता रहे थे 2010 वर्जन था तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, दोस्तों दूसरी तरह से दिख रहा था और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दूसरी तरह से दिखता है। इसमें प्रिंट प्रीव्यू का अलग से बटन है, वहां पर प्रिंट ऑप्शन में ही ऑटोमेटिकली वो दिखाता है। तो दोस्तों इस तरह से चार स्लाइड प्रिंट करनी है एक पेज में तो इस तरह से दिखाएगा। अगर आपको और चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे जाके वन स्लाइड एक पेज में कर सकते हैं, टू स्लाइड एक पेज में कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करके ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको अगर मान लिया इस तरह से आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट का ऑप्शन आप यहाँ ऑफिस बटन से भी जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे जा करके प्रिंट के ऑप्शन में जा सकते हैं और प्रिंट के ऑप्शन में जा करके दोस्तों आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप हिडन स्लाइड अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन देगा कि आप हिडन स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन यहाँ आ रहा है प्रिंट हिडन स्लाइड, यानी कि हिडन स्लाइड को प्रिंट करना है तो इसको आपको टिक रखना होगा। अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पे अनटिक करना पड़ेगा। तो अनटिक करने के बाद आपकी जो हिडन स्लाइड है वो प्रिंट नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने हिडन स्लाइड के फीचर को। इसका एक प्रीव्यू भी देख लेते हैं, हिडन स्लाइड जिसे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों हिडन स्लाइड उसके प्रीव्यू में दिखनी नहीं चाहिए। आइए हम लोग देखें। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि स्लाइड टू नहीं दिख रही है क्योंकि वो हिडन स्लाइड है, तो प्रिंट प्रीव्यू में भी वो नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आप इसको दो स्लाइड पर करके भी देख सकते हैं। आप इसको दो पेजेस में है तो इसमें आपको ये पहला पेज है और दूसरे पेज में यहाँ पर स्लाइड टू होना चाहिए, वहां पर ये नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों इसमें प्रिंट में जाकर जो आप हिडन स्लाइड का ऑप्शन देखते हैं उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में भी नजर आ जाता है। आप यहाँ ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा कि प्रिंट हिडन स्लाइड करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह से आपकी जरूरत उस तरह से आप इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने हिडन स्लाइड के फीचर को समझ लिया होगा अच्छे से और आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों हमारे जो पिछले लेसन्स हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां जाकर पिछले लेसन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हमने बनाए हैं उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेसन में हम आपको नई जानकारी पावर पॉइंट पर